हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़े रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया जाता है। ऐसे में जब आप कभी बाहर झांक के देखेंगे तो आपको सिग्नल के ऊपर एक नंबर देखने को मिलेगा। हाल ही में जब मैं बेंगलोर से चेन्नई के बीच यात्रा कर रहा था तो जोलारपेट रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन को आउटर में रोक दिया गया। जब मैंने देखा बाहर झांक के तो देखा कि सिग्नल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ये देख के मेरे साइड वाले पैसेंजर ने बोला कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे टोटल कितने प्लेटफॉर्म हैं। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे लगा कि मुझे आप लोग के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा होता है। दोस्तों, जब हम किसी हाईवे में ट्रैवल करते हैं तो हाईवे का नंबर भी लेन वन, लेन टू ऐसे लिखा जाता है। उसी प्रकार हमारी भारतीय रेलवे में भी ट्रैक्स को रोड वन, रोड टू ऐसे करके दर्शाया जाता है। इसीलिए हर सिग्नल के ऊपर ये नंबर लिख करके आ जाता है कि ये ट्रेन किस रोड पे यानी कि किस नंबर के ट्रैक पर जाने वाली है, ताकि लोको पायलट को अंदाज़ा रहे कि ट्रेन कौन से ट्रैक पे जा रही है। और अगर उस ट्रैक की कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, जैसे 15 किलोमीटर पर आर या 45 किलोमीटर पर आर, तो लोको पायलट ऐसी चीज़ों का ख्याल रख सके। साथ ही साथ सिग्नल में इंडिकेटर होता है कि ट्रेन कौन सी तरफ के ट्रैक पे जाने वाली है या कौन से लूप को लेने वाली है, जो कि ट्रेन के मूविंग डायरेक्शन में चमक उठता है। दोस्तों, अगर आप लोग रेल फैन हैं तो आप लोगों के लिए मैंने दो टी शर्ट लॉन्च की हैं। पहली टी शर्ट में मेरे चैनल का लोगो है और दूसरी में वी आर रेल फैन लिखा हुआ है। अगर आप इन टी शर्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो इनको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन टी शर्ट्स को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे नाम का कूपन यूज़ करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और याद रखें कि आपको प्लेटफॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है सिग्नल के ऊपर दिए गए इंडिकेटर से। मैं आप लोग के लिए ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। बैंगलोर राजधानी की जर्नी का पार्ट 2 जल्द ही चैनल में आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए टी शर्ट खरीदना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आप लोग के लिए उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। हम ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।